नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे तीन प्रकार के मोमोज, फ्राइड मोमोज, स्टीम मोमोज और शेजवान फ्राइड मोमोज। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने दो कटोरी मैदा लिया है, अब इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसे अच्छे तरह से मिक्स करके अब हम इसे गूंदेंगे। इसका आटा हमें लगाना है, ये ना ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज्यादा नरम, तो हम इसे लगा लेते हैं। आटा हमारा गूंद गया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे और मोमोज की फिलिंग की तैयारी करेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, 4 से 5 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, इसे हल्का सा पकाना है, बस इसे ज्यादा नहीं पकाना है, ब्राउन नहीं करना है ज्यादा, बस ये पक जाए। अब हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे, पत्ता गोभी हमने 1 कटोरी लिया है। पत्ता गोभी, गाजर और गोभी को हमने कद्दूकस करके लिया है। शिमला मिर्च को हमने छोटा छोटा काट लिया है, हमें इसे पकाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है, इसका जो पानी है वो सूखे बस इतना। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, 1 से 2, थोड़ा सा सोया सॉस, 2 से 3 स्पून, और नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है, इसे हमने 1.5 से 2 मिनट फ्राई करा है, बस गैस बंद कर देते हैं। आटे को हम थोड़ा सा मसल लेंगे अच्छी तरह से और इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे। बड़ी बड़ी इसी तरह से साड़ी बना लेंगे। अब हम इसे पूड़ी की शेप में बेल लेंगे, इसे हमें ज्यादा मोटा नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज्यादा पतला। ज्यादा मोटा हो जाएगा तो फिर सब्जियों का टेस्ट नहीं आएगा और मैदे का टेस्ट ज्यादा आएगा, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा। हम इस तरह से बेलेंगे। फिलिंग रखेंगे अपनी इस तरह से।
इस तरह से फोल्ड बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा मोमोस बनके तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। इस तरह से एक और फोल्ड आपको बताते हैं। इस तरह से एक फोल्ड इसी के बगल में और फिर एक और इस तरह से और फिर एक और इस तरह से और ये बनके तैयार हो गया हमारा मोमोस। देखिए इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। देखिए दोस्तों हमने सारे मोमोस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में स्टीम कर लीजिए। हम इस तरह से स्टीम कर रहे हैं। हमने इसमें ऑयल लगा लिया है। अब हम अपने मोमोस इसमें रखेंगे। इस तरह से हमने मोमोस इसमें रख लिए हैं। अब हम इसे ढक देंगे और इसे 10 से 11 मिनट तक इसी तरह से स्टीम कर रहे हैं। अब हम इसको खोलते हैं। मोमोस हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। दोस्तों हमने सारे मोमोज बनाकर तैयार कर लिए थे, स्टीम हो गए थे हमारे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसी तरह से इसे ना ही ज्यादा तेज आंच होनी चाहिए और ना ही ज्यादा मीडियम हीट पे हम इसे तलेंगे। देखिए दोस्तों हमारे मोमोज बहुत ही बढ़िया फ्राई हुए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। हम शेजवान फ्राइड मोमोज बनाने के लिए हमने तेल लिया है 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच। अब हम इसमें अदरक लहसुन का जो हमने काट के रखा था वो हम डालेंगे। इसे हल्का सा पकाएंगे, जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें अपने शिमला मिर्च और मिर्च डालेंगे। शेजवान सॉस डाला है और 2 चम्मच टमाटो सॉस डाला है। अब हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे हम पकाएंगे 1-2 मिनट तक। थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। और अब हम इसमें अपने मोमोज डालेंगे। इसे सॉस हमारे मोमोज में अच्छी तरह से
मिक्स हो जाए तो इसे हम अलग कलर के किचन के तो देखिए दोस्तों हमारे शेजवान फ्राइड मोमोज बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारे तीन प्रकार के मोमोज बनकर बिल्कुल तैयार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।